निजी तालीमी इदारों में टीचर्स की कम से कम तनख्वाह 25,000 रुपये मुकर्रर। दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप लोगों को मैं आज एक लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूँ। दोस्तों हुकूमत पाकिस्तान ने गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनकी कम से कम सैलरी 25,000 मुकर्रर कर दी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और महकमा एजुकेशन ने इब्तदाई तौर पर सुबह सिंध में ये मंजूरी दे दी है। तो सुबह सिंध में जो भी इस टाइम टीचर टीचिंग कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनको कम से कम सैलरी 25,000 दी जाएगी। दोस्तों इस हवाले से मजीद ये कहा जा रहा है कि जल्द ही ये स्कीम पंजाब और केपीके और बलूचिस्तान में भी होने वाली है। आप इस बारे में क्या कहते हैं, इस हवाले से लाजमी आपने कमेंट्स करने हैं। तो दोस्तों मज़ीद आप लोग बता दूं कि महकमा तालीम ने वाज़े कर दिया कि ऐसे इदारे जहां पर मुलाजमत करने वाले टीचर्स को 25,000 से कम तनख्वाह दी जाएगी, उन इदारे के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। दूसरी जानब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी कहा है कि जो कम तनख्वाह देगा उस इदारे के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और तमाम चीज़ों की कीमतों में डबल से भी ज़्यादा इजाफा हुआ है। बिजली पेट्रोल की कीमतों में भी रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से उनका कहना है कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो भी प्राइवेट मुलाजमीन गवर्नमेंट की जारी करदा तनख्वाह के मुताबिक सैलरी नहीं देंगे उनको कट ऑफ कर देंगे। मज़ीद मिलते हैं एक और जॉब अपडेट में, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।